एटॉमिक नंबर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मास नंबर। तो उसी समय हमारे पास दिमाग में आया कि हमें एक टेबल बना लेनी चाहिए, और बोर ने मुझे मदद करी एक टेबल बनाने में। तो ये बोर की टेबल कहलाती है, बोर पीरियोडिक टेबल। उसने ये देखा कि एटॉमिक नंबर से हम यहाँ जमा रहे हैं, और आफ्टर एक पीरियड के बाद वो रिपीटेशन होता है। तो कुल मिला के इस तरह का हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल मिला। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में आपको है क्या। उसने जो अपने इस तरह से लाइंस है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, जल्दी से बोले, हॉरिजेंटल लाइंस। इसको तो उसने नाम दिया पीरियड्स। क्या नाम दिया? पीरियड। और जो इस तरह से कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल। वर्टिकल लाइन को उसने क्या नाम दिया? ग्रुप्स। और अब बात आती कितने ग्रुप्स, किसने दिए ग्रुप्स। अगर हम बात करते बोर ने, तो बोर ने फर्स्ट ग्रुप इसको बोला वन ए, फिर सेकेंड ए, फिर क्या नाम दिया, सेकेंड ए के बाद थर्ड ए सीधा यहां लिया, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, और फिर उसके बाद क्या नाम दे दिया, जीरो जीरो। ये तो रहा बोर्ड ने। फिर चेंजेज हुआ, और एक और चीज चेंजेज होने से पहले एक बात और बता देता हूँ, बी ग्रुप भी उसने दिया, और बी यहां पर आ गया, थर्ड बी, फोर्थ बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी। एट्थ में ए बी नहीं होता, एट्थ एक साथ होता है, एक ही तरह से ए बी सी नहीं होता, बल्कि एक साथ होता है, तीन आते ग्रुप, एक दो तीन, तो ये तीनों एट्थ ग्रुप कहलाते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी, ये बात समझ में। फिर आया बोर के बाद आईयूपीएसी पीरियोडिक टेबल, उसने बिल्कुल एज इट इज लिया। उसने बस अंतर ये रहा कि जो ये फर्स्ट है, सेकंड है, और फर्स्ट बी सेकंड बी थे, इनको हटा दिया और सीधा गिनती चालू कर दी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह, यानी 18 ग्रुप्स के अंदर उसने ले लिया। कुछ समझ में आया? तो यहां तक तो हमारे पास समझ में आ रहा था कि उसने कोई फर्स्ट है, फर्स्ट भी नहीं लिया, किसने, आईयूपीएसी ने। तो हमारा काम अब क्या रह गया, हमारा काम कि हमें कोई ये बता दे कि ग्रुप और पीरियड कैसे हैं, बस मेन तो हमारा टारगेट ये है। तो आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पीरियोडिक में दोनों को याद रखना पड़ेगा, बोर पीरियोडिक मॉडल और मॉडर्न या आईयूपीएसी पीरियोडिक टेबल। तो बताइए कि एट्थ के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, दो या तीन? तीन, पक्का तीन होते हैं। बाकी सब में कितने होते हैं? दो दो होते हैं। एक किसमें होता है? जीरो में। जीरो ग्रुप में एक ही होता है, बस वो जीरो होता है, वो जीरो, बाकी सब दो दो रखते हैं, वन ए वन बी, टू ए टू बी, या सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। अच्छा, बी वाले कहाँ होते हैं? यहाँ बी वाले होते हैं, बाकी ए कहाँ होते हैं? यहाँ। तो आप मुझे बताएं जल्दी से, जिंक कौन से ग्रुप का है, ए या बी? बी। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे ये सारे, ये कहाँ होंगे? डी में, पक्का। तो अब आप मेरे को और बताएं कि जिंक कहाँ होगा? बी में। ये तो कंफर्म हो गया, जिंक कहां होगा? बी में। बी में कौन सा होगा, वन बी या सेकंड बी? जिंक सेकंड बी। बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो कॉपर कहां होगा? फर्स्ट बी। क्लियर है? बी के अंदर अगर बात करें तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं मॉलिबेडनम देखना चाहता हूं, मॉलिबेडनम ये है, ये कौन से ग्रुप का है, जल्दी से बताओ, सिक्स बी, सिक्स बी। क्लियर है? तो ये आपके पास हो गया कि मॉलिबेडनम आपके पास यहां पर है। तो कुछ बातें आपको जो है वो बतानी पड़ेगी, ब्लॉक कहाँ है और उनको हम याद कैसे करते हैं। तो मैं आपको दो पॉइंट में इस चीज को पढ़ाने वाला हूँ, टेबल को। एक, कौन सा ग्रुप कहाँ पर, कौन सा एलिमेंट किस जगह देखने को मिलेगा, उसका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड नंबर आपको बताना होता है। तो चलिए मुझे एक आंसर दीजिए, मैंने इंडियन टिक करा, तो इंडियन इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, जल्दी से बताएं, इंडियन यहाँ पर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पीरियड कौन सा होगा और ग्रुप क्या होगा, तो पीरियड कौन सा होगा, अगर इंडियन को देखा जाए तो ये हमारे पास फिफ्थ पीरियड का है, ये पीरियड है हमारे फिफ्थ पीरियड। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप हमारे पास दो आंसर आएंगे, या तो थर्ड ए बोल दो, या फिर आप बोल दो इंडियन के लिए क्या बोलोगे, थर्ड ए या फिर 13, इन दोनों में से दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। बोलो यस और नो। तो अब आप में से किसी एक को मेरे को मदद करके बताना चाहिए, मरकरी जिसका सिंबल है Hg, वो Hg आपको कहां दिखाई दे रहा है, जल्दी से बोले, सेकेंड बी में, बिल्कुल। और पीरियड कौन सा कहलाएगा, सिक्स, पक्का। तो एक और दिक्कत आ रही है कि सर अभी तो हमारे सामने पीरियडिक टेबल है, हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास पीरियडिक टेबल नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो उसका भी तोड़े, आप पहले ये चीज समझ में आ गई, तो उसका तोड़ यही है कि हमें पीरियडिक टेबल बाय डिफॉल्ट याद ही करनी पड़ेगी। तो याद करने के लिए हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, करने के लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं, और वो ट्रिक्स हमारे को इस पीरियोडिक टेबल को याद करा देती है। हमने ट्रिक्स किस तरह से बनाई है, हमने इस तरह से, यानी ये क्या है, ग्रुप वाइज हमने ट्रिक्स बना रखी है कि ये ग्रुप है। तो पहले आपको अपनी ट्रिक्स लिखनी होगी साथ के साथ। यहां पर देखिए, यहां कौन सा एलिमेंट है, जल्दी से बोल दिए, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इसकी ट्रिक है, हे ली ना की रब से फरियाद। तो लिखे आप पूरी पीरियोडिक टेबल में लिखिए, हे ली ना की रब से फरियाद, लिख लेंगे आप। क्या बोला है मैंने, हे ली ना की रब से फरियाद, हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको, हे ली ना की रब से फरियाद। और ये कैसे लिखना पड़ेगा आपको पीरियोडिक टेबल के बाद, इसका नाम लिखना पड़ेगा फर्स्ट ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको फर्स्ट ए, और उसके बाद लिखना पड़ेगा हेलीना की रफ से फरियाद, हिंदी में ही हेलीना की रफ से फरियाद। आपको याद हो जाएगी पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, हेलीना की रफ से फरियाद बन गया। हाइड्रोजन, लिथियम, एने का मतलब सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। क्लियर है? तो ये हो गया आपके हेलिना की रब से फरियाद। फिर अगला अगला ग्रुप कौन सा है, जल्दी से बोलिए आप। अगला है आपके पास सेकंड ए, सेकंड बी है, और हम इसको बोलते हैं सेकंड ए, बोलो यस और नो। तो इसके अंदर कौन है आपके पास, ध्यान से सुनिए, इसकी ट्रिक होगी। ये कहां से स्टार्ट होगा, पीरियड ही स्टार्ट सेकंड से होता है, ये पक्का। तो यहां से ये हाइड्रोजन से, ये फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, जबकि ये कौन से स्टार्ट होगा, सेकंड से। तो क्या ट्रिक बनेगी इसकी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बताओ, कार स्कूटर मांग रहा है और बाप राजी हो रहा है। तो इसको या तो ऐसे याद कर लो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, जो आपको अच्छा लगे। मुझे समझ में आ गया आपको कन्या वाला अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर, भले ही कुछ कैसे भी हो लेकिन कन्या तो सुंदर ही चाहिए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेटा बीई, बेटा मांगे एमजी कन्या सीए सुंदर एसआर बाप बीए राजी आरए। तो ये क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? आगे और भी बहुत सारे हमारे पीरियड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी बनेगी बताइए, थर्ड थर्ड ग्रुप की, थर्ड नंबर के ग्रुप की, जिसको हम बोलेंगे थर्ड बी। तो इसकी लगेगी स्कूटर यामा लाओ एसी। क्या बनेगी इसकी आपके पास, स्कूटर यामा लाओ एसी। यानी पहला स्कूटर है यामा का जिसके अंदर एसी भी है, वाह। तो ये हमारे लिए थर्ड की हो गई। अब बात करते हैं हम फोर्थ की, फोर्थ का मतलब फोर्थ बी की। तो यहां हमारे पास क्या बन सकती है, टिकट जरा हाफ रखना। एक्चुअल में ये सारे अब अलग हो गए, हमने इसको अलग नाम दे दिया, आईयूपीएसी नाम देने चालू कर दिए, तो हम इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है। लेकिन बाकी टिकट जरा हाफ रखना, टिकट जरा जर्कोनियम हाफ हाफ रखना, तो टिकट जरा हाफ रखना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद करें, लिखें जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्रुप है, जल्दी से बताओ। हमारे पास है ये वाला, और ये कौन सा है, फिफ्थ। फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ ग्रुप को फिफ्थ बी भी बोलते हैं। यस और नो, अच्छी बात क्या है, बस बी लगाना है। तो विजय निब्बू ताड़ दे, ये हमारे लिए हो जाएगा विजय निब्बू ताड़ दे। तो ये हमारे पास टिक। अब बात ये विजय निब्बू ताड़ दे, वो कर लोगे आप, निब्बू ताड़ दे। तो ये हमारे पास हो गया वेनेडियम, नायोबियम और टेलम, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नाम याद करना बहुत आसान हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ के बाद कौन सा आता है, सिक्स, सिक्स बी। और यहां पर एक क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, कार मोटर तांगा, तांगा से मतलब टंगस्टन, कार मोटर तांगा संग चले, कार मोटर तांगा।
टांगा से टंगस्टन, यानी कार मोटर तांगा संग चले। चलिए आगे, फिर यहां पर कौन रहता है? मन तेरा रहे भगवान, सिक्स सेवन के बाद सेवेंथ, यानी सेवेंथ बी, मन तेरा रहे भगवान। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम। आ रहा है समझ में? टेक्नीशियम, मन तेरा रहे भगवान, कर देंगे आप? हाँ बेटा। अब यहां पर FeRUOS, यहां पर कौन है? फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया ये हमारे लिए? एट्थ। एट्थ में तीन है, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। FeRU, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, OS, यानी आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, पक्का? उसके बाद हमारे रहेगा कौन सा? रहेगा एट्थ, हमारे पास हो गया। अब आएगा हमारे पास नाइन, तो नाइन्थ पे हमारे पास कौन है? कौन रहता है इराक? कौन रहता है इराक? किसके लिए? हम नाइन्थ ग्रुप के लिए, जो कि अपने आप में नाइन्थ ग्रुप है, जो कि एट्थ ही ग्रुप का एक पार्ट है। तो हमारे पास रहेगा कौन रहता है ईरान? कौन रहता है ईरान? फिर उसके बाद आ रहा है टेंथ, कौन रहता है ईरान के बाद? टेंथ आ रहा है, कौन रहता है ईरान में? पहले बताओ, को का मतलब क्या होता है? कोबाल्ट, और रोडियम, और इरिडियम। IR का मतलब इरिडियम। फिर नी, नी पड़ेगा पिटेगा, ऑब्वियसली नी पड़ेगा तो पिटेगा ही, निकल, पैडमियम, प्लेटिनम। नी पड़ेगा पिटेगा, बहुत इजी है, याद करना भी आसान है, नी पड़ेगा पिटेगा। अच्छा, तो यहां हमारे पास हो गया निकल, पैडमियम, प्लेटिनम, नी पड़ेगा पिटेगा। फिर आता है हमारे लिए सेवेंथ नंबर का, इलेवेंथ नंबर का ग्रुप। इलेवेंथ में हमारे पास कौन है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इसका मैं ऐसे बना सकता हूं, क्यों आगे आऊं? क्यों आगे आऊं? क्यों आगे आऊं? यानी कि हमारे लिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्यों आगे आऊं? नेक्स्ट हमारे पास हो गया ट्वेल्थ नंबर, जिंदगी कैडबरी होगी। क्या होगा? जिंदगी कैडबरी होगी, जिंदगी कैडबरी होगी। जेडन, सीडी, एचजी, जिंदगी कैडबरी होगी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब हमारे पास आ गए पी ब्लॉक के ग्रुप। तो यहां हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको देखते हो तो यहां हमारे पास होगा बोरॉन, यानी हम बात कर रहे हैं 13, जिसका नाम है थर्ड ए, यानी 13 से लेके 18 तक जो भी है, 13 से लेके 17 तक, आप 10 माइनस कर दो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। 13 ए यानी 3, 14 ए, 14 यानी फोर्थ ए, ए लगा देना, 10 माइनस करना और ए लगा देना, समझ में आ रहा है? तो 14 में से 10 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 4, और 4 के बाद ए लगा दोगे आप। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसको कैसे बनाओगे? लिख लो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियन, थेलियम। फिर आता है कार्बन, काशी गए संत प्रभु। क्या लिखोगे आप? काशी गए संत प्रभु, किसके लिए लिख रहे हो आप? 14 के लिए, काशी गए संत प्रभु। तो काशी से कार्बन, सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, संत से एसेंटीन, प्रभु से पीवी, लेड। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, थेलियम। हाँ बिल्कुल, एल ए, वो एल ए, थेलियम। आगे
काशी गए संत प्रभु, ये हमारे लिए क्लियर हो गई पीरियोडिक में, कोई डाउट? इसके बाद आता है हमारा कौन सा नंबर का, फिफ्थ, नाइट्रोजन, 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 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, और भी कर सकते हो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। फिर आता है ऑक्सीजन ग्रुप, यानी ऑक्सीजन से ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, बताओ टीपने के लिए बोल रहा हूं, ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? क्या लिख रहे हो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्लियर है? और फिर आएगा फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी एटी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये पीरियोडिक टेबल आपको याद करना आसान है इस ट्रिक से। और अब आगे हमारे पास क्या है, हीलियम है ना, नियोन आगर कर जीरो रन पर आउट, तो देखिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडॉन है ना आगर कर जीरो रन पर आउट, लिख लो। इससे पहले वाला था हमारे लिए सिक्स ए, सेवंथ ए जो था हमारे लिए, क्या था सेवंथ ए, फिर कल बाहर आई आंटी, और लास्ट वाला जो कि हमारा जीरो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है ना आगर कर जीरो रन पर आउट, है ना आगर कर जीरो रन पर आउट। तो ये तो हमारे रहे एक तरह से देखा जाए कि पूरा पीरियोडिक टेबल। अब एफ ब्लॉक के जो अलग से रखे गए, इसमें लेंथेनाइट सीरीज है, कौन सा है, लेंथेनाइट, जो जस्ट इस लेंथेनाइट के बाद आते हैं उन्हें लेंथेनाइट, जो एक्टेनाइट के बाद आते हैं उन्हें एक्टेनाइट, जस्ट आफ्टर कम लेंथेनाइट इज कॉल्ड लेंथेनाइट एलिमेंट्स, और जस्ट एलिमेंट जस्ट आफ्टर कम फ्रॉम एक्टेनाइट इज आर कॉल्ड एक्टेनाइट एलिमेंट्स, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है पैरा यूरेनियम यानी आफ्टर यूरेनियम, तो यहां पर भी हमारे पास अप्रोच है, आप लिखिए इसको, जरूरत नहीं है कभी पूछेगा भी नहीं, फिर भी याद करना हो तो मैंने ऐसे याद कर रखी, सिर पर ऐसे याद कर लो, सी पर नड पम सम ई यू यू गटप डायो एटम यब्लू थपाउ थपाउ नप्पू अमकम बक्सफ इज फ्रॉम मनोलर, ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही लैंग्वेज चल रही है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हो तो कर लो। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सी पर नटपम सम ईयू गटप डायो डायो एटम यब्लू थपाउ नप्पू अमकम बक्सफ इज फ्रॉम मनोलर, क्लियर है? एक बार और बोल देता हूं, सी पर नटपम सम ईयू गटप डायो एटम यब्लू थपाउ नप्पू अमकम बक्सफ इज फ्रॉम मनोलर।